आपकी हेल्थ आपके थॉट्स और फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन है। टोरिया बेकम ने कहा है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज, PCOS और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी कई हेल्थ चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए किया। एक इंटरव्यू में बेकम ने कहा कि उन्होंने PCOS डायग्नोस होने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को हेल्दी और वाइब्रेंट विजुलाइज किया और उन्होंने हर दिन खुद से अपनी अच्छी हेल्थ को अफर्म किया। बेकम ने अपनी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में भी चेंजेस किए। उन्होंने हेल्दी डाइट खाना शुरू किया, रेगुलरली एक्सरसाइज की और पूरी नींद ली। टाइम के साथ बेकम की हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट दिखी। वो अपने PCOS सिम्टम्स को मैनेज करने में कामयाब हुई और वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिमिशन में चली गई। बेकम एक हेल्दी और वाइब्रेंट फीमेल है। वो एक सफल फैशन डिजाइनर और बिजनेस वुमन है और वो अपने 4 बच्चों की डिवोटेड मदर है। उनकी स्टोरी एक एग्जाम्पल है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा सकता है। हेल्दी रहना वैसा ही महसूस करना है जैसा छोटे बच्चे महसूस करते हैं। छोटे बच्चे हर दिन एनर्जी से भरे होते हैं, उनकी बॉडी हल्की और फ्लेक्सिबल महसूस करती है, चलना सिंपल होता है, वो अपने पैरों को देख रहे होते हैं, उनका दिमाग साफ है, वो खुश हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री होते हैं। वो हर रात गहरी नींद और शांति से सोते हैं और वो पूरी तरह से फ्रेश महसूस करते हुए जागते हैं, जैसे कि वो एक नई बॉडी के साथ हैं। वो हर नए दिन के बारे में पैशनेट और एक्साइटेड महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को देखें और आप देखेंगे कि हेल्दी होने का वास्तव में क्या मतलब है। ये वैसा ही है जैसा आप पहले महसूस करते थे और आपको अभी भी ऐसा ही महसूस करना चाहिए। आप ज्यादातर टाइम ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि हेल्थ आपके लिए हमेशा मौजूद होती है। ऐसा कोई पल नहीं है कि आपसे कुछ भी रोक लिया जाए। आप जो चाहते हैं वो आपका है और इसमें हेल्थ भी शामिल है, लेकिन आपको इसे हासिल करने के लिए तैयार रहना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर का लॉ है, ये इम्पर्सनल है और इसलिए सभी थॉट्स की तरफ एक ही तरह से रिस्पॉन्स करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बीमारी में हेल्थ को सपोर्ट नहीं करता, ये बस आपको वो सब कुछ देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स को हासिल कर रहा है और उन्हें आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, लोगों, सिचुएशन और इवेंट्स के रूप में आपको वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। लोगों के पास वो हेल्थ नहीं होने का पहला कारण है कि वो जो चाहते हैं उससे ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते। सीधे शब्दों में कहें तो वो हेल्थ और अच्छे के बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वो बीमारी के बारे में सोचते हैं। आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप ज्यादातर टाइम इसी बारे में सोचते रहते हैं। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वही आपकी लाइफ में दिखाई देगा। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके थॉट्स बीज हैं और आप जो फसल काटते हैं वो आपके द्वारा लगाए गए बीजों पर डिपेंड करेगा। आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ हो उसे आप अपने थॉट्स को चुनना शुरू कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बस लगातार हेल्थ और अच्छे के बारे में सोचने पर ध्यान दें। पुराने स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ने हमें बताया है कि बॉडी की हेल्थ पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है। कहने का मतलब ये है कि बॉडी के सभी काम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से डाइजेशन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम तक, सबकॉन्शियस माइंड के सबॉर्डिनेट हैं। आप सांस लेने या पचाने या ब्लड पंपिंग के बारे में नहीं सोचते। ये काम अपने आप होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी उंगली काटते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि खून बहना कैसे रोका जाए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये काम खुद कर देता है और बॉडी को वो कहने का ऑर्डर देता है जो उसे करने के लिए बनाया गया था। ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये हर सिस्टम में, हर लेवल पर आपकी पूरी बॉडी में काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी ऑर्डर देता है ये आपकी बॉडी डिलीवर करती है। इस काम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक आइडियल इमेज है। जैसे बाहरी दुनिया में जहाँ आपके थॉट्स, लोगों, सिचुएशन और इवेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसे पूरा करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी की इनर दुनिया भी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सिचुएशन और इवेंट्स को अट्रैक्ट करता है जो आपकी बॉडी की हेल्थ को बनाती हैं। आपकी बॉडी आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पूरी तरह से महसूस करने और उसकी बढ़ाई करने के लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर की अनदेखी और अनोखी दुनिया के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि ये सब आपके ऑर्डर से चलता है। आपकी लाइफ इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आप अपने अंदर क्या रखते हैं, और जो आप अपने अंदर रखते हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। कोई बाहरी पावर नहीं है जो आपकी लाइफ या रियलिटी में आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जब तक कि आप अपने थॉट्स और भरोसे के जरिए कुछ पावर नहीं देते हैं। आप जो सोचते हैं और जो मानते हैं उसमें सबसे बड़ी पावर आपके अंदर है। अच्छी खबर ये है कि वास्तव में आपके थॉट्स ही हैं जो सबकॉन्शियस में नया भरोसा पैदा करते हैं। ये आपके थॉट्स हैं जो आपकी लाइफ में लोगों,
सिचुएशन और इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये आपके थॉट्स हैं जो सचमुच आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना रहे हैं। जब आपके मन में अच्छी फीलिंग्स होती हैं और जब आप किसी सुंदर दिन अपने घर किसी दोस्त या अपने कुत्ते के लिए या किसी भी चीज के लिए प्यार महसूस करते हैं तो आपकी बॉडी को नेचुरल हेल्थ की पूरी पावर अमेजिंग तरीके से मिल सकती है। जब आप अपने बारे में या किसी और चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो टेंशन के कारण आपकी नसें और सेल्स सिकुड़ जाते हैं, आपकी बॉडी में जरूरी केमिकल प्रोडक्शन बदल जाता है, आपके ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और आपकी सांस शैलो हो जाती है। हर एक हिस्सा आपकी पूरी बॉडी में हेल्थ की पावर को कम कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं जिसका आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप अपनी बॉडी पर नेचुरल हेल्थ की पावर को कम कर देते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमारी बॉडी में स्ट्रेस को दूर करने और बीमारी को दूर करने के सबसे तेज और सबसे अच्छे तरीकों में एक हंसी और खुशी की पावर है। आप वास्तव में हेल्थ की सही सिचुएशन, पूरी बॉडी और पूरे वजन के लिए अपना रास्ता सोच और महसूस कर सकते हैं। आप इसे अपने पॉजिटिव थॉट्स और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के जरिए से एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। अच्छी हेल्थ आपका बर्थ राइट है, आप अपने क्रिएटर हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका मॉडल वर्जन बनाने के लिए आपका शानदार टूल है। इसलिए इस टूल का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। ऑथर ने अच्छी हेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 3 आसान स्टेप्स के बारे में बताया है। बस इस क्रिएटिव प्रोसेस का इस्तेमाल अच्छी हेल्थ को बनाने के लिए करें। पहला स्टेप है आस्क। अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जब आपकी हेल्थ की बात आती है वो हर चीज की तरह आपको वो चुनना होता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में क्लियर रहें, ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो नहीं ला सकता जो आप चाहते हैं। आप एक मिक्स्ड वैकेंसी भेज रहे होंगे और आप सिर्फ मिक्स्ड रिजल्ट ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये डिसाइड करें कि आप वास्तव में अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी के लिए क्या चाहते हैं। ध्यान रखें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ज्यादातर लोग हेल्थ के बारे में तभी पूछते हैं जब उनके पास ये नहीं होती, लेकिन आप किसी भी टाइम अच्छी हेल्थ की मांग कर सकते हैं। हर एक दिन अपने इरादे की पावर का इस्तेमाल करें और पूरी तरह से हेल्दी रहने के लिए कहें। दूसरा स्टेप है ट्रस्ट। आपको भरोसा होना चाहिए कि आपको वो हेल्थ मिली है जिसकी आप मांग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक हेल्दी बॉडी, सही वजन और यंग दिखने का पल आपका है। खुद पर पूरा भरोसा रखें। याद रखें कि जब आप कॉन्शियस लेवल पर किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा अनफिल्टर्ड होकर सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है, जो आपकी हेल्थ के सभी पहलुओं और आपकी बॉडी में 100 trillion सेल्स को कंट्रोल करता है। तीसरा स्टेप है अचीव। इस बारे में पूछें और भरोसा करें कि आपने हासिल किया है, और हासिल करने के लिए आपको सिर्फ अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप हासिल करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। इसलिए अच्छा महसूस करें और वो हासिल करें जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर लाने का एक तेज तरीका है। बस खुद से कहें, मैं अभी हासिल कर रहा हूँ, मैं अब अपनी लाइफ में सभी अच्छे रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, मैं अब हेल्थ की सही सिचुएशन, पूरी बॉडी, पूरे वजन, मॉन्स्टर एनर्जी और लाइफ पावर को हासिल कर रहा हूँ। और इसे महसूस करें, इसे वैसे ही महसूस करें कि जैसे कि आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। ऐसा करने से आप अपनी डिमांड को अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ तस्वीरों में पावरफुल रूप से फोकस थॉट है और ये सिंपल तरीके से पावरफुल इमोशन का कारण बनता है। जब आप इमेजिनेशन कर रहे होते हैं तो आप उस पावरफुल फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ के सभी एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। जब आप ओवरऑल हेल्थ की इमेजिनेशन करते हैं और भरोसा करते हैं कि वो आपके पास है, तो सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स और तस्वीरों को हासिल करता है जैसे कि वो वास्तव में आपके पास हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए उन तस्वीरों को सच करता है। अपनी ओवरऑल हेल्थ की इमेजिनेशन करना एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। अपनी बॉडी की जो आइडियल सिचुएशन आप चाहते हैं उसके साथ अपने आप को एक तस्वीर की इमेजिनेशन करने में 1 मिनट बिताएं। जो कुछ भी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं पहले अपने आप को उस आइडियल सिचुएशन के साथ इमेजिन करें और फिर आइडियल सिचुएशन के लिए थैंकफुल रहें जैसे कि आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। अगर आप अच्छे होने की इमेजिनेशन कर सकते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए इसे सच करेगा। अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए आपको सिर्फ इमेजिन करना है और महसूस करना है कि आपकी बॉडी में जो हेल्थ आप चाहते हैं वो कैसी होगी। इसके साथ ही रोज खुद से एक अफर्मेशन करें, आई एम हेल्दी। पहले 2 वर्ड्स अफर्मेशन के महान सीक्रेट को जाहिर करते हैं। आई एम, जब आप कहते हैं आई एम तो आने वाले वर्ड को एक पावरफुल पावर के साथ यूनिवर्स को बुला रहे हैं, क्योंकि आप इसे फैक्ट के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं, आप इसे पक्के तौर पर कह रहे होते हैं। तो आज से ही खुद से कहें, आई एम कंप्लीट, स्ट्रांग, पावरफुल, फुल ऑफ लव, हार्मोनियस एंड हैप्पी।
हर दिन इस अफर्मेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। बस उन चीजों को अपनी इमेजिनेशन में महसूस करना शुरू करें और पॉजिटिव सोचते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की शुरुआत करें। आप इसको सिर्फ 30 दिनों तक ट्राई करके देखें, देखना कितने सारे मैजिक आपके साथ होंगे। आप इस पूरी वीडियो में से क्या क्या चीजें आज से ही शुरू करने वाले हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उसकी वाइब्रेशनल पावर को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके।